क्लास चल रही है सब में। मैंने अलार्म लगा रखा था कि उठ जाऊंगा 7 बजे, पता ही नहीं चला अलार्म कब जो, मतलब पता तो चला बिकॉज ठंड में कंबल में से बाहर निकले के अलार्म बंद करने पड़े, बट उसके अलावा पता नहीं चला कि मतलब मैं कब सो गया, इतनी बुरी हालत हो रही थी। अब उठाऊँ पहली क्लास, यहाँ आने के बाद भी ऑनलाइन लेनी पड़ रही है। बट अब अगली क्लास जो है मेरी 1-1.5 घंटे बाद में, वो मैं सीधा कॉलेज जाके लूँगा। फिलहाल मेरे रूम से कुछ ऐसा व्यू है सुबह का, इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। सारी चीज़ें फैली पड़ी हैं, कपड़े वगैरह एंड ऑल। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या चीज़ क्या है, मतलब याद करनी पड़ रही है और अपने काम की चीज़ एक जगह निकालनी पड़ रही है। और यहाँ पर मेरे को प्रॉब्लम एक बहुत बड़ी हो गई कि यहाँ पर टेम्परेरीली, जहाँ पर अभी मैं रुका हूँ कुछ टाइम के लिए, जो हीटर था रूम का वो चल नहीं रहा था। रात को टेम्परेचर 2 डिग्री के करीब था और कुल्फी जम गई। ऐसे लेयरों में छुप छुप के सोया हूँ तब जाके काम बना है। अभी इतनी ठंड लग रही है, अभी तक मैं बाथरूम नहीं गया हूँ क्योंकि वहाँ पर इतना ज़्यादा ठंडा है। मैं अभी फिगर आउट कर रहा हूँ कि कोई हीटर चल रहा है अपार्टमेंट में, तो दूसरी जगह एक हीटर चल रहा है दूसरे रूम का, मेन ड्राइंग रूम का, तो मैंने वो ऑन कराया फुल पे, थोड़ी सी हीट आए भाई अपार्टमेंट हल्का सा हीटेड सा हो, बिकॉज बैंड बजी पड़ी थी, कुल्फी जम रही थी। और वैसे भी अब टेम्परेचर ना बढ़ रहा है, धूप भी आ रही है, तो टेम्परेचर थोड़ा सा उतना चिल्ड नहीं है जितना अभी था 1 घंटे पहले, थोड़ा सा बेटर हो रहा है। तो बेसिकली बस अब यही करना है, तैयार होना है और आज अपना पहले दिन कॉलेज का जाना है, पहला दिन फिजिकली जहाँ मैं जा रहा हूँ। वैसे क्लासेस तो स्टार्ट हो चुकी हैं, तो बेसिकली पहली बार यहाँ पर बाथरूम का भी कंसेप्ट समझना है कि पानी गर्म वगैरह कैसे आता है। लकीली मैंने अभी चेक करा तो समझ में आ गया कि पानी गर्म कैसे आना है। एटलीस्ट जो वाटर हीटर है वो तो ऑटोमेटिकली चल रहा है, उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं। मे बी पानी इन्होंने ऑलरेडी ऑन कर दिया हो, जो मेरे यहाँ के होस्ट हैं, मे बी दैट्स वाई अपने आप आ रहा है। आज ये शाम को सारी चीज़ें यही समझनी है कि अपार्टमेंट में क्या चीज़ कैसे काम करती है, बिकॉज ये थोड़ा अलग होता है हर जगह का कंसेप्ट। जो अपार्टमेंट है यहाँ पर, ये कारपेटेड है सारा, मतलब ऐसे इंडिया की तरह टाइल्स या वैसे वाली फ्लोरिंग नहीं होती, मतलब पक्की पत्थर वाली, बिकॉज इतनी ठंड में तो वो काम ही नहीं करेगी। तो इस वेदर के हिसाब से ये काफ़ी अच्छा है। बट उसके बाद में भी ना इस पर, मतलब इस पर आप चल सकते हो चप्पल के बिना भी, आपकी ऐसी नहीं होगी बुरी हालत हो जाएगी। बट ये ठंडा है अभी भी, वो इसलिए क्योंकि अपार्टमेंट ही अभी थोड़ा ठंडा है। तो मेरे हिसाब से जब हीटिंग शुरू होगी तो ये भी ऐसा हो जाएगा कि मतलब ये भी थोड़ा सा एक वार्म आ जाएगा, बिकॉज कहीं कहीं इन फ्लोर्स के नीचे भी रेडिएटर्स होते हैं। सो गाइस ऑलरेडी जाने के लिए, क्लास के लिए थोड़ा सा लेट हो चुका हूँ ऑलरेडी, बट आज पहला दिन है। बट बिकॉज आज पहला दिन है, सब कुछ नया नया ही है, सारी चीज़ें फिगर आउट करने में टाइम ज़्यादा लग गया, सामान निकालने में टाइम लग गया। अब चलते हैं क्लास के लिए। सब कुछ बढ़िया है यार अपार्टमेंट में, एक ही दिक्कत है यार, आई मीन वही जो हर हिंदुस्तानी को दिक्कत होती है, एंड दैट इज़ कि बाथरूम है ना नंबर 2 वाला सीन, उसमें मज़ा नहीं आता। ये पेपर वाले सीन के अंदर ना काम चलता नहीं है, मतलब अच्छी फील नहीं आती, ऐसा लगता है कि मतलब यू नो, समझ गया ना। तो बस इसका कुछ जुगाड़ तो कर लूँगा मैं, अब मेरे हिसाब से 1 हफ्ते में नहीं तो 1.5-2 हफ्ते के अंदर तो पक्का कुछ ना कुछ जुगाड़ लूँगा मैं तरीका इसका सॉल्यूशन, बट तब तक काम चलाना पड़ेगा। चलो चलते हैं, इस टॉपिक पे नहीं जाते। दिस इज़ माई बिल्डिंग, इसमें आई थिंक 4 अपार्टमेंट हैं, एक फर्स्ट फ्लोर पे 2 एंड सेकंड फ्लोर पे 2, एंड ये स्टूडेंट डॉर्म की बिल्डिंग है, वो भी स्टूडेंट डॉर्म की बिल्डिंग है जिसमें बिल्कुल जगह नहीं मिली, एंड यहाँ से करके रास्ता जाने। सो बेसिकली जो ये अपार्टमेंट है मेरे को कैंपस से बिल्कुल साथ में ही मिला हुआ है, तो ये फ़ायदा है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, वॉकिंग है बस 5 मिनट का। एंड थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है, अभी तो पूरी अच्छी धूप आ रही थी। दिस इज़ द रूट आई हैव टू टेक, यहाँ से ये एक दूसरी हॉस्टल की बिल्डिंग आ रही है, बहुत तेज़ हवा चल रही है, तो भाई साहब टेम्परेचर भी काफ़ी ठंडा है इस समय, जो मौसम है काफ़ी सुंदर हो रहा है। अभी क्या है, पूरी लीव्स वगैरह टूटी नहीं है, इतनी ठंड नहीं आई है, और ये ऑरेंज येलो शेड में कलर्स के अंदर सारे प्लांट्स ऐसे हो रहे हैं ना, तो काफ़ी सुंदर लग रहे हैं। ये वाला है मेरा अपार्टमेंट, आई थिंक वो ऊपर राइट कॉर्नर या लेफ्ट कॉर्नर ऐसी कुछ है, इनमें से कुछ है। सो इस डायरेक्शन से मैं आ रहा हूँ, एंड देन पीछे की तरफ जो माउंटेन है यहाँ पे, वो आखाम करके कुछ माउंटेन, आखाम आई डोंट नो कैसे बोलते हैं, यहाँ पर ये कुछ शायद टीचर्स के अपार्टमेंट हैं,
एंड देन दिस इज द डायरेक्शन आई थिंक आई हैव टू हेड टू, तो आई गेस सही डायरेक्शन में ही चल रहे होंगे। ठंड इस समय बहुत ही ज़्यादा है, स्किन जलने वाली ड्राई सी होने लग गई है, पर ट्रैवल करते टाइम वो क्या होंठ भी थोड़े से फट गया है, तो कुछ मॉइस्चराइज़र वगैरह रखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अदरवाइज़ के ट्रैवल करते टाइम एक तो ड्राइनेस वगैरह भी बहुत होती है, इसके अलावा एक ये भी प्रॉब्लम होता है कि जब आपका एनवायरनमेंट चेंज होता है तो कुछ वायरल असर टाइप का सा भी आते हैं, वो आपकी स्किन पे ये होंठ पे जो ये कुछ छिलने वाला करते हैं कुछ होता है, आई डोंट नो व्हाट द हेक इज़ दैट। आई होप आई एम हेडिंग टूवर्ड्स राइट डायरेक्शन, बिकॉज जो बिल्डिंग्स हैं या दिस राइट वन इज़ अ हॉस्टल, ये मेरे को पता है क्योंकि मेरे को ये नहीं मिला है इसलिए मुझे पता है ये हॉस्टल है। या ये कैंपस एरिया में तो मैं पक्का आ गया हूँ, कहीं तो पहुँच ही जाऊँगा। हाँ, मेरे को दोस्त ने फ़ोटो दी थी, शायद इस ट्रैक की दी थी। ये जो हॉस्टल है इसका नाम एक्वेरियम है, बिकॉज ये राउंड शेप में है और ये सारे कांच कांच हैं इसकी पूरे फ्रंट में और बैक साइड में भी काफ़ी है, तो कुछ एक्वेरियम डिज़ाइन से इंस्पायर्ड है। यू कैन कंसिडर दिस एज अ टूर ऑफ रॉयटलिंगन यूनिवर्सिटी, लाइक एन इनफॉर्मल टूर। इसमें मैं खुद आपको कुछ नहीं बता पा रहा हूँ कि कौन सी बिल्डिंग क्या है, बिकॉज मेरे को खुद नहीं पता, जो मुझे समझ में आ रहा है मुझे खुद दिख रहा है मैं वो बता रहा हूँ। सो इट इज़ लाइक अ वेरी बेसिक टूर। दिस ट्रैक लुक सो ब्यूटिफुल, सो नाइस। वो वाली जो माउंटेन दिख रही है सामने वो है अखाम, वहाँ पर ट्रैकिंग के लिए लोग जाते हैं बहुत वीकेंड पे, और उसके छत पे एक काइंड ऑफ वॉच टावर टाइप्स बना हुआ है। आपको दिन में थोड़ा अपडेट देता हूँ कि आज का प्रोसेस क्या रहता है, आज कुछ रजिस्ट्रेशन वगैरह का प्रोसेस शुरू होता है कि नहीं होता, एनरोलमेंट का कुछ होगा कि नहीं होगा, एंड सिटी रजिस्ट्रेशन के लिए कब जाऊँगा, आज जाना है कल जाना है। सो यहाँ से आई एम कमिंग फ्रॉम दिस रूट, दिस इज़ द बिल्डिंग 16 एंड द बिल्डिंग 17। आई थिंक ये पुराना मेंसा है, ये रिनोवेशन वगैरह चल रहा है इसमें कुछ, एंड पीछे दूसरे डिपार्टमेंट हैं, टेक्नोलॉजी एंड काफ़ी डिपार्टमेंट है, बट इस यूनिवर्सिटी का जो ESB बिजनेस स्कूल है दैट्स द मोस्ट पॉपुलर वन। चाहे उस साइड पे भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा एरिया है, आई शो यू अराउंड, आराम से एक अच्छा ऑफिशियल टूर दूंगा जब मेरे को खुद समझ में आ जाएगा। फिलहाल क्लास में जा रहा हूँ। सो दिस इज द डायरेक्शन फॉर MBA, एंड ये बीच का ओपन एरिया है, मल्टीपर्पज एरिया टाइप्स। एंड लेट मी हेड टूवर्ड्स माई क्लास, एंड दैट इज़ माई क्लास रूम। तो चलते हैं, आप क्लास के बाद बात करें। तो हम मेंसा आ गए हैं क्लास कंप्लीट करने के बाद में, एंड ये पहले यहाँ पर लाइक स्पोर्ट्स सेंटर होता था, जिसको ये मेंसा में कन्वर्ट कर दिया है। ये वॉल क्लाइंबिंग की जगह है, तो ये टेम्परेरी जगह है, बना रखी है इन्होंने। ये नीचे बास्केटबॉल कोर्ट है पूरा। यहाँ पर हम अपने स्टूडेंट ID कार्ड के अंदर पैसे लोड कर रहे हैं, तो इसके बाद हमें मेंसा के रेट्स मिल जाएंगे। ठीक है, इसका तो पूरा यही है रे, एकदम खतरनाक। ये सारा वेज है, मतलब ये वेजिटेबल मीट बॉल्स है, मतलब वेजिटेबल है पर बोलते हैं इसको मीट बॉल ही है। और ये वेजीज वगैरह लिए मैंने, ये सैलेड के लिए, ये कुछ 1.15 यूरो, और टोटल 4 यूरो का मिला। और ये दूसरा ऑप्शन था जो कि देखने में टेस्टी लग रहा है, खाने में कैसा है। अभी समय आए हैं अपनी क्लास ख़त्म करके कुछ बेसिक सामान लेने, ब्रेड वगैरह, कुछ ब्रेड सैंडविच बनाने के लिए, टमाटर और मटर। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा बेसिक खाने पीने का जुगाड़ हो जाएगा। कुछ घर से भी थोड़ा बहुत सामान लाया हूँ, ग्रैनुला वगैरह, बट ये चीज़ होना बहुत ज़रूरी है, और ये आपको पहले दूसरे दिन में ही करना पड़ेगा अगर खाना खाना है तो। यहाँ पर देखो मैगी के भी आइटम्स मिल रहे हैं, बट लाइक कुछ अलग चीज़ें मिलती हैं, जो प्रॉपर अपनी देसी वाली मैगी है वो नहीं मिलती। बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं, इसका एक अलग टूर मैं बाद में करूँगा, प्रॉपर फुल टूर। फिलहाल अभी आज तो जल्दबाजी में पूरे दिन का रिकैप चल रहा है, एक तरीके से प्री कैप सब एक साथ। सुबह ग्रॉसरी स्टोर से वापस आ गया हूँ मैं अपने अपार्टमेंट में, एंड आज के दिन में कुछ नया जो सीखने साखने का हिसाब रहा वो यही रहा कि बेसिकली आज का ये जो यहाँ पर ग्रॉसरी स्टोर है पास में वो देख लिया, बहुत इंपॉर्टेंट था ये देखना,
एंड वहाँ से कुछ अपना बेसिक सामान ले लिया कि अपने ब्रेड ले ली, कुछ टमाटर पालक एंड बेसिक सैंडविच बनाने के हिसाब से सामान ले लिया कि अपना ब्रेकफास्ट लंच के लिए सैंडविच बना लो। एंड जो यूनिवर्सिटी है उसके अंदर एक बेसिक मेंसा जो होती है, कैंटीन होती है, उसका एक टूर करके देख लिया कि किस रेट पे क्या मिलता है। तो वहाँ पे मैंने देखा कभी कभी मतलब रीजनेबल अमाउंट में चीज़ें मिल जाती हैं, तो वहाँ पर भी खाया जा सकता है। कभी कभी भूख लग रही है स्पेशली अगर कुछ बनाने का मन नहीं कर रहा, और ख़ासकर वहाँ पर सैलड वैलड मतलब थोड़े हेल्दी ऑप्शन भी ज़्यादा थे तो थोड़ा सही रहता है, क्योंकि ऐसे में क्या है कि बाहर का खाना ज़्यादा रहता है, तो कभी कभी सैलड वगैरह साथ में चलते रहने चाहिए बैलेंस बनाने के लिए। तो आज पहले दिन बहुत थकान हो रही थी, इतनी हिम्मत थोड़ी सी बना ली कि वहाँ जाने के लिए, नहीं तो कंधों में और हाथों में बैंड बजी हुई है। आज के दिन के लिए इतना ही रहेगा मेरा, आज का दिन यहीं पर ही क्लोज़ करते हैं। कल अपनी जो स्टूडेंट आईडी है मेरे को वो कलेक्ट करनी है यहाँ से यूनिवर्सिटी से, एंड कुछ एक आध पेपर वर्क शुरू हो जाए तो बेटर रहेगा, और फिर मेंसा का कार्ड बनवाना है। बेसिकली मेंसा का कार्ड क्या होता है कि जो स्टूडेंट आईडी होती है वही मेंसा के कार्ड का काम करती है, बस उसे वो रिचार्ज कराना है और सीखना है, जैसे मैंने आपको दिखाया था कि वो मेरा फ्रेंड किस तरीके से अपना कार्ड यूज़ कर रहा था। एंड यहाँ पर फाइनली आने के बाद में जो बहुत सारे वीडियोज़ में देखा था वो यहाँ पर एक्सपीरियंस करने को भी मिल गया। ये जर्मन जो वो होती हैं डोर्स एंड विंडोज, कैसा आधा खोलो तो पूरा डोर खुल गया। बाय द वे को व्यू दिखा दूँ मैं अपनी बालकनी से, यहाँ पर चेयर है, सिटिंग है, ये बारबेक्यू भी है जो यूज़ कर करा सकते हैं, एंड देन कुछ इस तरीके का व्यू है। ये नीचे वालों का है स्पेस, ये राइट साइड की बिल्डिंग हो गई, इट लुक्स प्रिटी नाइस। पूरा एरिया इतना सुंदर लग रहा है ना, पूरा पहाड़ों पहाड़ों वाला एरिया है, मतलब अमेजिंग है यार, मतलब इतनी नेचुरल ब्यूटी है, मेरे को तो दिल खुश हो गया यहाँ पर आके। मतलब कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे कि टूरिस्ट डेस्टिनेशन होते हैं ना, जैसे कि मसूरी शिमला मनाली टाइप्स, वैसी फीलिंग आ रही है इस एरिया में, जबकि ये बहुत ज़्यादा पहाड़ी एरिया नहीं है। और इसका वो दूसरी सेटिंग तो मैंने आपको बताई नहीं, जो दूसरी सेटिंग होती है वो शायद कुछ ऐसी होती है, ऐसे करके नहीं ऐसे, हाँ ये देखो पूरा, मतलब ऐसा लगता है कि गेट गिरेगा लिटरली, बट इतना स्ट्रॉन्ग बिल्ट होता है ना। एक चीज़ यहाँ पे बहुत ही आपको नोटिस करने में आएगी, जब भी आप जर्मनी में आके एंट्री करके कोई भी चीज़ देखोगे ना, उसकी इंजीनियरिंग की क्वालिटी देखोगे ना, छोटी से छोटी चीज़ उठा के, मतलब जर्मन इंजीनियरिंग ना उसमें झलकती है, हर एक छोटी चीज़ घर के अंदर घर के बाहर कहीं पर भी उठा लो कोई भी चीज़। आई मीन लिटरली मैं इनकी ट्रेन्स देख रहा था, ट्रेन्स के अंदर सीट कैसे डिज़ाइन कर रखी हैं, इनके लिफ्ट्स देख लो, एयरपोर्ट पर नोटिस कर लो, यूनिवर्सिटी में नोटिस कर लो, कहीं पर भी देख लेना, आपको जो जर्मन इंजीनियरिंग का DNA जो इनके यहाँ पर बसा हुआ है इनके कल्चर के अंदर, वो हर जगह झलकता है। ये चीज़ जब मैं US में था मैंने नोटिस करी थी कि हर चीज़ इतनी फ्रजाइल होती थी, हल्की फुल्की लगती थी, ऐसा लगता था कि बस बना दिए काम चलाने के लिए। यहाँ पर कोई भी चीज़ बनाइए तो ऐसा लगता है इट्स वेल डिज़ाइंड, सोच समझ के बनाया लॉजिकली कि अच्छे से यूज़ कर सकें, और बिल्ड टू लास्ट जो होता है ना, उस टाइप की चीज़ें बनाई हुई हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई सी यू लेटर विद स्वेटर।